हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल पनीर पराठा की रेसिपी। तो अगर आप सबको भी पसंद हो ढाबा स्टाइल पनीर पराठा की रेसिपी, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है पनीर और इनको अच्छे से मैश कर लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए प्याज। साथ में इसमें मैंने जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, जीरा का पाउडर डाला है, अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाला है। इन सबको डालने के बाद मैंने बहुत ही अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है धनिया की पत्ती और कुछ हरी लहसुन की कलियाँ। तो इस तरह से इनको मिक्स करने के बाद आप अपनी स्टफिंग को बना के तैयार कर सकते हैं। और किस किस को पसंद है पनीर के पराठे, अगर पनीर के पराठे खाना आपको सबको पसंद है, तो इस स्टाइल में आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर भी, जिससे इनका टेस्ट और कलर देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इन सबको मैंने देखिए मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है पराठा बनाना, क्योंकि हम जैसे ही नॉर्मल रोटी के लिए डो बनाते हैं या फिर आटा गूंथते हैं, बस वैसे ही हमको रोटी की तरह ही आटा को लगा के तैयार कर लेना है। और एक लोई निकाल के उसमें इस तरह से कटोरी बना लेनी है। कटोरी बनाने के बाद हमको स्टफिंग भर लेनी है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जितनी अच्छी स्टफिंग बनेंगी उतनी अच्छी पराठे आपके खाने में अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको प्रेस करते हुए अच्छे से पनीर की स्टफिंग कर दी है और फिर इनको फोल्ड कर लिया है। अगर आप सबको और भी पराठों की रेसिपी चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे पराठे की रेसिपी भी अपलोड कर रखी है, आप सब वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं और वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पराठे को स्टफिंग अच्छे से बना ली है। बनाने के बाद इनको अच्छे से मोड़ के इनको बेल लेना है, जिस तरह से हम रोटियाँ बेलते हैं इनको हल्के हाथों से बेलना है। मैंने यहाँ पे बेलन का यूज़ नहीं किया, अपने हाथों से ही इनको बनाया है। ढाबे में मोस्टली आप देखते हैं कि उनको हाथ से ही इन लोग स्टफिंग करते हैं और बनाते हैं, तो ये खाने और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमको रोटियों को घुमाते हुए अच्छे से बेल लेना है। ये बिल्कुल गोल बन के तैयार होंगे इस तरह से। और आप सभी इस ट्रिप्स को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए, हमारे पनीर के पराठे बिल्कुल बन के तैयार होने वाले हैं और इनको हम सेक लेंगे तवे पे। और तवे को पहले मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। आप चाहे तो तवे में पहले बटर डाल सकते हैं, फिर उसके बाद में इनको सेक सकते हैं। इसे ये थोड़े से ऑयली हो जाते हैं, तो पहले हम इनको सेक लेंगे, उसके बाद ही इनके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पराठे बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो इस तरह से पराठे को हमको दोनों साइड से बटर लगा लेना है और इनको अच्छे से क्रिस्प करते हुए सेक लेना है। आप इनको ज़्यादा क्रिस्प करना चाहते हो तो इनके साइड से भी ऑयल को या फिर बटर को डाल सकते हैं, और इससे आपके पराठे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे पराठे बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे से बन के तैयार हो गए। ढाबे स्टाइल आप जब भी कोई रेसिपी क्रिएट करें तो उनको बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही क्रिएट करें, इससे आपकी टेस्ट बिल्कुल ढाबे स्टाइल में ही आएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको और भी क्रिस्पी करने के लिए साइड से बटर डाल दिया और ये हमारे पराठे बिल्कुल लगभग तैयार हो गए हैं खाने के लिए। तो आप सब पनीर के पराठे को किस चीज़ के खास खाना पसंद करेंगे, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। तो ये देखिए, इनको हम कर लेते हैं सर्विंग और इनको हम टेस्ट करेंगे। तो आप सभी अपने घर पर इनको बनाएं और इन्जॉय करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खाते रहिए, बनाते रहिए। वीडियो पसंद नहीं हो तो एक लाइक ज़रूर करें।